कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 15 जून तक सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है और कुछ नए नियम जारी किए हैं। विद्यार्थी अब घरों से ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई कर सकेंगे। इस दौरान 50% अध्यापक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूलों में हाजिर रहेंगे, जिनको स्टाफ रोस्टर अनुसार बुलाया जाएगा। स्कूलों में स्टाफ बुलाने और उनके कार्य करने को लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी किया है, जिसके तहत कहा गया है कि स्कूलों में अध्यापक MIS पोर्टल अपडेट करने के साथ मिड डे मील, पुराने किताबों का वितरण जैसे कार्य करेंगे। अध्यापक राजवीर के मुताबिक पहली से आठवीं के विद्यार्थियों को जल्द अप्रैल का मिड डे मील, राशन और पुरानी किताबें सीनियर से लेकर के जूनियर तक को देंगे। किताबों के वितरण से पहले इन्हें 2 दिन धूप में रखा जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में एडमिशन के लिए ड्रॉप आउट होने की आशंका वाले अभिभावकों से संपर्क साधेंगे, जिसका रिकॉर्ड भी रखना होगा, जिससे जरूरत पड़ने पर जिला मुख्यालय के साथ शेयर भी किया जा सके। सबसे पहला काम हमारा यही है कि आज रिजल्ट रेडी करना, और रिजल्ट रेडी करके, रिजल्ट तो हमारा रेडी हो चुका है, बल्कि रिजल्ट की रिपोर्ट कार्ड को बना के, ठीक है ना, बच्चों को फिर हम सूचित करेंगे और उनके घर तक इन रिपोर्ट कार्डों को पहुंचेंगे। और क्या क्या डाटा इकट्ठा करने के आदेश दिए गए हैं, जैसे कोविड के दौरान कुछ मौत भी हुई है स्टूडेंट्स के, जो पेरेंट्स? हाँ, उसके लिए जो किसी बच्चे के माँ बाप या जो भी जिस पर वो आश्रित हैं, अगर उनके घर में डेथ हो गई है, तो ऐसे बच्चों की भी एक सूची तैयार की जाएगी और वो विभाग को भेजी जाएगी। प्रदेश में कोरोना वायरस अब तक 9,000 लोगों की जिंदगी छीन चुका है। पिछले 10 दिनों में 1,000 लोगों ने दम तोड़ा। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 71 मरीजों ने जान गंवाई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9,067 हो चुकी है। उधर प्रदेश में 24 घंटों में 1,225 नए मरीज मिले। अब तक 7,57,083 लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं एक दिन में 3,453 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। अब तक अस्पतालों से डिस्चार्ज होने वालों का आंकड़ा 7,33,205 हुआ। प्रदेश में अब 14,811 एक्टिव मरीज हुए। कोविड-19 में ग्रामीण सेंटरों पर सफाई कर्मचारियों को सेफ्टी किट न मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने खंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। बल्लभगढ़ के ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के लोगों ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों के मुताबिक गांव में बनाए गए कोविड-19 सेंटर में सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, यहां तक कि अगर गांव में कोई कोविड संक्रमित की मृत्यु हो जाती है तो उनका भी दाह संस्कार सफाई कर्मचारी ही करेंगे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने ये बताया कि किसी भी कर्मचारी के पास न तो PPE किट है, न ही सैनिटाइजर, न ही मास्क विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया। सभी कर्मचारी गांव के सभी कोविड सेंटर्स पर ऐसे ही बिना सुविधाओं के काम करते हैं। कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें डर लगता है कि कहीं वो भी कोरोना से संक्रमित न हो जाएं, इसलिए आज बल्लभगढ़ के खंड कार्यालय पहुंच करके अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अधिकारी द्वारा सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए, ये जो प्रदर्शन है ये हमारी जायज मांगे हैं सरकार से, हम अपनी जायज मांगे ही मांग रहे हैं, अन्यथा हमारी कोई ज़्यादा लंबी कोई बड़ी मांग नहीं है। हमारी बस मांग यही है, जो कोरोना सेंटर बनाए गए हैं गांव में, हमारी ड्यूटी लगाई गई है कोरोना सेंटरों में, ठीक है, कोरोना सेंटरों में ड्यूटी लगाई गई है, वो कोई बात नहीं, सरकार ने कहा हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी एक और लगाई गई है सरकार से, एक लेटर जारी हुआ है कि जो कोरोना की जो डेथ हो जाएगी वो भी ग्रामीण सफर कर्मचारी को उसकी दाह संस्कार करना पड़ेगा। चलो उसमें भी हमें कोई गुदरेज नहीं है, वो भी करेंगे हम, लेकिन सरकार हमें ये बताए कि वो तो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी सरकार के, हमारे जो लोगों के पास ना तो सैनिटाइजर है, ना ग्लव्स है, ना मास्क है, ना PPE किट है। डॉक्टर्स और बाबा रामदेव के बीच छिड़ी जंग अब आगे बढ़ती जा रही है। करनाल में IMA के बैनर तले डॉक्टर्स ने प्रेस वार्ता करके बाबा रामदेव को बड़बोला बताया। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके बयानों से डॉक्टर्स का मनोबल टूटता है। रामदेव के खिलाफ में डॉक्टर्स का हल्ला बोल अब तेज हो चुका है। डॉक्टर्स का कहना है कि एलोपैथी के खिलाफ बाबा रामदेव पहले खुद गलत बयान देते हैं और इसके बाद वापस ले लेते हैं। बाबा रामदेव कारोबारी बन चुके हैं, एलोपैथी के खिलाफ दिए गए बयान की हम निंदा करते हैं, 2 जून को काले बिल्ले लगा करके काम करेंगे, वहीं उसके बाद जिला प्रशासन के पास बाबा रामदेव की शिकायत देने जाएंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा बयान दे करके डॉक्टर्स को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। वो तो वैक्सीन लगवाने के लिए भी मना कर रहे हैं, समय समय पर उनके गलत बयान आते रहते हैं, ऐसे में सरकार को बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। बाबा रामदेव ना बहुत ही बड़बोले हैं एक्चुअली, मैं उनके बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ। उन्होंने अभी रिसेंटली न्यूज़ चैनल आज तक पे, जो कोरोनिल के थ्रू ही स्पॉन्सर्ड था, उसमें कहा कि डॉक्टर कौन सी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर रहा है।
उन्हें एलोपैथी के बारे में क्या पता है? इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक पद्धति है ये, बहुत ही साइंटिफिक, जो हमने नहीं जनरेट की है या हम इसके ओरिजिनेटर नहीं है, हमारे ही प्राचीन भारत से ये बनी है। प्रदेश में ब्लैक फंगस कोरोना से ज्यादा जानलेवा हो रहा है। कोरोना से पहले मौत के 71 दिन में 86 मरीजों की जान गई। अब ब्लैक फंगस करीब एक महीने में 82 जान ले चुका है। मरीजों को जरूरत के मुताबिक इंजेक्शन भी नहीं मिल रहे। जगाधरी में 20 मई से भर्ती एक मरीज को स्वास्थ्य विभाग 11 दिन में सिर्फ 7 इंजेक्शन दे पाया। आपको बता दें कि जगाधरी में भर्ती बीजेपी की पहली महिला प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कमल वर्मा के लिए मंगलवार को बीजेपी नेताओं ने एक दिन में 11 इंजेक्शन जुटा दिए। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा के अनुसार वर्मा को 3 दिन तक इंजेक्शन नहीं मिलने की जानकारी मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बात की। विज ने अधिकारियों को तुरंत इंजेक्शन मुहैया कराने को कहा। प्रदेश की तरफ से 5 इंजेक्शन दिए गए।